ये एक्चुअली हमारा ग्रुप है, संडे को ही निकलता है। सो गाइस अभी जस्ट हम रिसोर्ट से निकल रहे हैं लाल बंगलो तरफ। इनका ही एक प्रॉपर्टी है लाल बंगलो पैलेस, बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। तो वहाँ जाके शूट करता हूँ, वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी अमेजिंग प्रॉपर्टी मैंने आज तक नहीं देखी है गाइस, जिस तरह से मैंने उसका वीडियो देखा गाइस अमेजिंग। तो जाते हैं फटाफट वहाँ पे। और गाइस यहाँ पे ये लोग पूरा जो है वो ये फ्रंट डेवलप कर रहे हैं। सो यहाँ से एंट्री हो जाएगी और यहाँ पे जो है वो वेटिंग एरिया ये लोग बना देंगे, कस्टमर वेटिंग एरिया। सो गाइस ये प्रॉपर्टी एक बार विज़िट करने जैसी है गाइस, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। सो गाइज ये साइड वडोदरा है, ये साइड देवगढ़ बाड़िया, ये देवगढ़ बाड़िया वाला रोड है, वहीं पे लोकेटेड है ये प्रॉपर्टी। और यहाँ आइए, ओनर भरत भाई है, इनसे आप मिलिए। और गाइज ये व्यू देखिए आप, क्या अमेजिंग व्यू है, ब्यूटीफुल गाइज। ये सामने देखिए, ये गाइज सामने देखिए, ये रिवर है देख सकते हो आप। और ये सामने देखिए आप गाइज माउंटेन्स। ये एक्चुअली हम एंटर हो चुके हैं देवगढ़ बारिया में। सो यहाँ पे माउंटेन्स बहुत है। सो गाइस महाराजा तुषार सिंह कनक सिंह बाबा का ये पैलेस है पूरा राजमहल। और हमें जो जगह पे जाना है वो ये रास्ते पे है अंदर। तो गाइस ये है वो जगह रॉयल लाल बंगलो पैलेस रिसोर्ट। व्हाट अ अमेजिंग प्लेस गाइस। सो गाइस ये लाल बंगलो पैलेस है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा फ्रेम में। बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, ब्यूटीफुल पैलेस है। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है लाल बंगलो पैलेस। सो मैं ले चलता हूँ आपको उधर। उसका अप्रोक्स पर कपल वन नाइट स्टे का अप्रोक्स 10,000 to 12,000 होता है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है। उसके लिए आपको भरत भाई यहाँ के ओनर है उनसे मिलना पड़ेगा। और आपका मैं कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पूछ सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो चार्जेस के रिगार्डिंग। सो गाइज ये स्टैच्यू आप देखिए, पूरा जो है वो बनाया है वो ट्रेडिशनल स्टाइल से, पूरा रॉयल स्टाइल से बनाया हुआ है सब कुछ। सो गाइज मुझे तो बहुत ही पसंद आया, आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी अंदर जाता हूँ, अंदर जाके एक्सप्लोर करता हूँ।
सो गाइस आप लोग देख सकते हो बहुत ही अमेजिंग पैलेस है गाइस, बहुत ही रॉयल है। सो गाइस कैसा लगा आपको, आपने अभी सिनेमैटिक्स तो देख ही लिए होंगे सारे। सो गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको पैलेस कैसा लगा, और इसकी सारी डिटेल और कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा। सो आपको आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, और यहाँ के ओनर है भरत भाई, वो आपको जो अपना जो पहले वाला जो मेरा रिसोर्ट मैंने जो आपको दिखाया वो वहीं पे होते हैं, तो आप वहां जाके उनको मिल सकते हैं। बट आई डोंट थिंक सो उनकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ऑन फोन देंगे। और मुझे ये चीज बहुत ही अच्छी लगी कि यहाँ का स्टाफ जो है वो बहुत ही फ्रेंडली है, सारी जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी कुछ आपको जानना हो वो सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। सो गाइज अभी आपने जो देखा वो है लाल बंगलो पैलेस, ये जो दिख रहा है बहुत ही अमेजिंग जगह है गाइज, क्या बोलूं, आई डोंट हैव वर्ड्स। सारा कुछ जो है वो ट्रेडिशनल थीम में रखा है, रॉयल थीम, जो राजस्थान के जो पुराने जो प्रिंस जो थे, जो राजा थे, उनका जो टेस्ट था वो ही, वो उसके अकॉर्डिंग ही सारा कुछ जो है वो अभी भी रखा हुआ है। सो आपको जो वो रॉयल राजस्थानी वाला जो टच है वो फीलिंग जो है वो सारा आएगा इधर। और प्रॉपर्टी बहुत ही अमेजिंग है गाइज, ज़्यादा मज़ा तो अगर हम यहाँ पे रुके स्टे करें तभी आएगा, फील जो है वो तभी आएगा। सो गाइज यहाँ आइए, रुकिए, यहाँ का जो स्टाफ है वो भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसका सारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो मैं मेंशन कर दूंगा। पीपल आर क्रेजी फॉर सुपरबाइक्स। क्या अमेजिंग रिएक्शन मिल रहे हैं, प्राउड से फीलिंग आती है। सो गाइस ये देखिए, ये मेरे ख्याल से यहाँ का जो पैलेस जो था उसका एंट्रेंस गेट है। देवगढ़ बारिया के राजा का। सो गाइस हम लोग देवगढ़ बारिया से अब दाहोद की ओर जा रहे हैं, और गाइस आप रास्ता देखिए कितना अमेजिंग रास्ता है, क्या ऑसम लग रहा है, जंगल में से निकल रहे हो ऐसे फीलिंग आ रही है। वैसे ये आमने सामने जंगल ही है सारे, क्या नज़ारा है ये गाइस। पूरा जो सारा है वो हिली एरिया है, ये सारा जो है वो हिली एरिया है, और आजू बाजू सारे जंगल है। देखिए क्या भीड़ जमा हो गई, सो गाइस ये देखिए क्या रिएक्शन है लोगों के सुपर बाइक पे। सो गाइस बहुत ही अमेजिंग रिएक्शंस मिल रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि सुपर बाइक्स इतनी देखने को नहीं मिलती ये लोग को। सो बहुत बहुत ही अमेजिंग रिएक्शंस मिल रहे हैं। सो गाइस देखिए क्या अमेजिंग रोड लग रहा है अभी। गाइस हम हो रहे हैं रिटर्न, बहुत घूमे, बहुत मस्ती की, सूरज ढका हुआ है बादलों से। ये सारा एक्चुअली पहाड़ी एरिया है, सो
अंधेरा होने से पहले हम नीचे उतर जाए। तो गाइस व्यू देखिए आप, क्या अमेजिंग व्यू है। तो गाइस देखिए ये सारा माउंटेन है और ये देखिए व्यू देखिए कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है। अभी कामिल भाई भी आगे खड़े रह गए। क्या हुआ, देखिए सीन, देखिए कैसा सीन है। सो गाइस देखिए ये वादिया। ओ भाई साहब क्या व्यू है गाइस, देखिए आप क्या माहौल बना है इवनिंग में। ब्यूटीफुल गाइस, आई होप आपको फ्रेम में आ रहा होगा सारा। और ये लोगों के रिएक्शन देखिए, बच्चे खुश हो गए। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। ये हम उतरे नीचे अभी। देखिए गाइस सनसेट हो रहा है। सो गाइस X5 माय फेवरेट कार, क्या मस्त लग रही है विथ एडेप्टिव सस्पेंशन। आएगी ये भी आएगी अपनी जिंदगी में, ये भी आएगी बहुत ही जल्द आएगी। इस बादलों में ढका हुआ ये सामने पावागढ़, आई डोंट नो आपको नज़र आ रहा होगा कि नहीं, मुझे तो नज़र आ रहा है। GoPro की फ्रेम में आ रहा होगा कि नहीं पता नहीं। सो ये बेचारे लोग, बस बिगड़ गई थी सो ये दूसरी बस आई तो उसमें शिफ्ट हो रहे। यार जो लोग के पास व्हीकल नहीं होता है वो लोग की लाइफ इतनी आसान नहीं होती एक जगह से दूसरी जगह ने जगह पे जाने के लिए। कैसे क्या उनको करना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। GoPro की बैटरी है डाउन गाइस, टाइम टू गो होम, अभी कुछ ही देर में मेरा घर आ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।